प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं इस अभियान में कई सामाजिक संगठन सामने आकर अहम भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में सुनो वक्त की पुकार, करीब प्लास्टिक से इनकार, 7 दिन के महाअभियान का आयोजन हुआ है। और संत कुमार राम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कटोरा तालाब से हुआ, जिसमें छात्राओं ने प्लास्टिक मुक्त भारत पर पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई, जिसके साथ ही मंडल के स्वागत के लिए बच्चों ने संपूर्ण विद्यालय को प्राकृतिक जो वस्तुओं से सजाया। और तो वहीं मंडल की बयानों एवं विद्यालयों की छात्राओं ने मिलकर प्लास्टिक हटाओ मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और आगे भी भविष्य में जैसे जैसे थैलियां बनती जाएगी वैसे वैसे हम रिप्लेस करते जाएंगे, कपड़े की थैली देंगे और प्लास्टिक की थैली को लेते हुए जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे जितना प्लास्टिक मुक्त हमारा राज्य हो सके उसमें हम पूरी तेरापंथ महिला मंडल रायपुर इसमें पूरा पूरा सहयोग करेंगे। स्कूल की टीचर्स और शिक्षक शिक्षिकाएं ने सहयोग किया और तेरापंथ महिला मंडल ने पूरा पूर्ण रूप से सहयोग दी। और आज इसके साथ ही हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, मानव श्रृंखला, जो जन जन तक इसका संदेश पहुंचाए कि प्लास्टिक को का बहिष्कार करें और हम कपड़े की थैली को यूज करें। साध्वी श्री त्रिशला कुमारी जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आगाज किया, क्योंकि गुरु भगवंतों का आशीर्वाद लेकर ही हम किसी कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं जो एक नस नस में बसी हुई प्लास्टिक है, कार्यक्रम क्या क्या था? कार्यक्रम में हमने एक संदेश दिया कि वक्त की पुकार, करे प्लास्टिक से इनकार। रुक करते अगली खबर की ओर।